हेलो फ्रेंड्स, देखिए आज मेरे को काम करना है अपने टेरेस गार्डन में कूचिया का, क्योंकि आज मुझे वो ट्रांसप्लांट करने हैं कूचिया जो मेरे लगे हुए हैं। मैंने आपको बताया था कि ये मेरा ना एक पौधा मैंने कूचिया का रख ही दिया था, गमले में ही, गमले समेत ही रख दिया था, तो वो सूख गया था और उसी में सीड्स गिर गए थे। मतलब जहाँ रखा था दो तीन जगह में और सीड्स गिर गए थे। देखिए ये पॉट है ना, इसी में छोड़ दिया था मैंने कूचिया का, देखा पूरा सूख गया। इतने सारे तो नीचे आए हैं और कुछ केले के पौधे में भी लगे, बस जहाँ जहाँ इसके सीड्स गिरे देखिए कितने सारे हैं। और थोड़े बड़े हो गए हैं, ये ट्रांसप्लांट करने लायक हो गए हैं। और मैंने अपने सारे पॉट तैयार कर लिए हैं, मतलब पलट कर नया मिट्टी खाद भर के वो सारे पॉट तैयार कर लिए हैं। और इस बार ना मैं अपने टेरेस गार्डन के लिए कूचिया के तो पौधे नहीं लिए, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी इतने सारे तैयार हो गए हैं। ये तो सिर्फ एक ये है, बाकी एक और केले के पौधे में भी लगे हुए हैं, आम के पौधे में भी लगे हैं, काफ़ी दो तीन जगह में इसके अपने आप ही सीड्स गिरे हैं और लग गए हैं। क्योंकि जहाँ ये बीच में रखा होगा ना पौधा, तो सीड्स गिर के आ गए और काफ़ी सारे लगे, बहुत सारे। तो अब जितने कुछ तो बड़े हो गए हैं, कुछ छोटे हैं, तो मैं अभी सारे आज ट्रांसप्लांट करूँगी। देखिए मैंने छांट छांट के निकाल, जो बड़े बड़े हैं वो भी निकालूँगी, बहुत छोटे हैं उनको नहीं निकालूँगी। ये देखिए ये थोड़ा बड़े हो गए, इनको भी निकाल लूँगी। ये देखिए और जो छोटे छोटे हैं, क्योंकि अभी भी उन्हें इसमें बहुत सारे आ रहे हैं, बहुत सारे। और ये जब निकालते समय जो जो इनके खरपतवार है उसको मैंने अलग अलग कर लिया है, उनको अलग कर दूँगी और छांट के ही लगाऊँगी। देखिए कितना बड़ा पौधा हुआ है ना, सारे और इतने सारे लगे हैं ना, अभी भी इसके अंदर बहुत सारे हैं। देखिए मतलब खैर ये तो बहुत ज़्यादा है, इतने तो मुझे चाहिए भी नहीं। अब जितने चाहिए उतने ही लगाऊंगी मैं, क्योंकि इतने क्या करने हैं मेरे पास कूचिया के। और ये भी नहीं है कि यदि किसी को चाहिए तो मुझसे ले ले, क्योंकि मेरे पास तो कूचिया के पौधे बहुत सारे हो गए हैं। बहुत अच्छा कूचिया है, बहुत अच्छा ग्रोथ करता है ये। देखिए कितने सारे मैंने निकाले, ये देखिए। ये मैंने अपना सब्जियों गार्डन में रखा था, अब यहाँ से उठा के मैं जाऊँगी अपने फ्लावर गार्डन में और वहाँ पे इनको अलग अलग करके लगाऊँगी। बड़े वाले अलग लगाऊँगी, छोटे वाले ग्रो बैग में लगाऊँगी। और जो बड़े हो गए हैं वो मैं किश्ती में लगाऊँगी, दो किश्ती है मेरे पास, उसमें लगाऊँगी बड़े वाले। ये देखिए ये किश्ती है ना, एक में तीन तीन लगा दूँगी किश्ती में। ये बड़ी किश्ती है सीमेंट की, इसमें तीन तीन लगाऊँगी। वैसे तो ये बहुत बड़े हो गए हैं, इससे छोटे में ही लगा लेने चाहिए थे, लेकिन मेरे पॉट तैयार नहीं थे तो इसलिए मैंने इनको छोड़ा हुआ था। अभी देखिए सारे बड़े वाले किश्ती में तीन, तो छः तो यही लग जाएंगे, बाकी सारे मेरे ग्रो बैग तैयार है, सारे वहाँ लगाऊंगी। ये देखिए, और मैंने ना सारी मिट्टी और खाद मिला के जब मिक्स करके उसको बाद इसको सारी मिट्टी भिगा के छोड़ी है, ताकि आराम से लग जाए। जब भी कोई भी मतलब छोटे छोटे प्लांट को रिपॉट करना हो तो मिट्टी पहले गीली कर लो गमले की ना, ताकि आराम से इजीली लग जाए। देखिए मेरे सारे मिट्टी मैंने गीली करके रखी है काफ़ी, ताकि फटाफट लग जाए। ये देखिए, और एक एक करके सारे ये सारे ग्रो बैग हैं मेरे, जो मेरे तैयार हो गए थे। आपको पता है मैंने ना इस मेरा आइडिया है कि मैं जो ये लगा रही हूँ कूचिया का सेंटर में, और आसपास मैं पोचुला के लगाऊंगी, तो मेरा प्लांट मतलब बहुत सुंदर लगेगा दिखने में भी। क्योंकि पोचुला ना क्योंकि जो कूचिया है ना, कुछ टाइम के बाद बड़ा होकर सूख जाता है, तो फिर वो बड़ा गंदा दिखने लग जाता है। तो जब यदि पोचुला रहेगा आसपास में तो वो मैं पूरा भरा रहेगा गमला, दिखने में बुरा नहीं लगेगा। देखिए एक एक करके ना मैंने सारे कूचिया लगा रही हूँ और लगा दूंगी आज। ये देखो अब मैंने इनको रखा भी ऐसा है कि सारे कूचिया के पौधे ऊपर एक लाइन में, फिर नीचे दो पोचुला के कलरफुल पोचुला लगाऊंगी इसके नीचे की लाइन में। ये देखिए ये देखिए सारे लगा लिए, देखिए सब लग गए मेरे पोचुला की ऊपर की पूरी लाइन, कूचिया की लगी है, हमेशा पोचुला ध्यान आता है, कूचिया की लगा दिया है। देखिए सब लग गए, देखिए
अभी इसको थोड़े दिन के बाद दोबारा अपडेट दूंगी, अभी कितने डाउन होते हैं कितने लगेंगे पता लग जाएगा। बस फ्रेंड्स आज इतना सा वीडियो देना था।